अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय भारतीय संस्कृति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें भारत की अवधारणा के बारे में विचार करना ज़रूरी है जब हम पांडिचेरी के आश्रम में जाते हैं और अखंड भारत की प्रतिमा को स्मरण करते हैं उसके आगे नमन करते हैं तब संभवतः हम इस बात का विचार नहीं करते कि अखंड भारत की प्रतिमा वस्तुतः वहाँ क्यों स्थापित है इस बात का भी विचार करना आवश्यक है कि भारत जिस भूमि को कहते हैं वो क्या एक सिर्फ भौगोलिक इकाई है जो किसी मानचित्र द्वारा अपनी सीमाओं को बांधती है जब हम कहते हैं मानचित्र द्वारा अपनी सीमाओं को बांधती है तो उसका आशय ये होता है कि किसी एक अमुक समय में किसी एक अमुक व्यक्ति या किसी एक अमुक समूह द्वारा ये तय किया जाता है कि किस व्यक्ति की किस विचार की किस देश की किस समाज की क्या सीमाएं हो सकती हैं लेकिन जब हम अखंड भारत की उस प्रतिमा को देखते हैं जो महर्षि अरविंद ने वहाँ स्थापित की है गुरुदेव ने और इस आशा के साथ स्थापित की है कि जो असंख्य करोड़ों भारतवासी यहाँ आएँ वे इस प्रतिमा के आगे नमन करें इस नक्शे के आगे नमन करें और इस बात का स्मरण करें कि भारत की जो परिधि है वो कहाँ तक है भारत की जो व्याप्ति है वो कहाँ तक है भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है भारत का विचार करें तो भारत क्या सिर्फ एक नक्शा है भारत का विचार करें तो भारत क्या एक सिर्फ सैन्य शक्ति है भारत का विचार करें तो भारत क्या सिर्फ एक सामाजिक अस्तित्व की एक इकाई है एक आर्थिक इकाई है एक वैज्ञानिक इकाई है शायद इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक मिलेगा भारत दरअसल एक सांस्कृतिक इकाई है भारत एक विशाल सांस्कृतिक इकाई है जिसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता इसलिए आज उस अखंड भारत की प्रतिमा में भले ही वे राष्ट्र जो भारत की परिधि के बाहर हो गए हैं वे भारत नहीं कहलाते फिर भी सांस्कृतिक रूप से वे भारत ही है और इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि भारत शब्द हमारे मन में गूंजने से हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है और वो भाव है हमारी संस्कृति का और ये भौगोलिक परिसीमाएं भी आधुनिक युग में कोई व्यक्ति कब कहाँ कैसे बांध सकता है इसका भी आश्चर्य होता है क्योंकि विष्णु पुराण में ही कहा गया है उत्तरम यत समुद्रश्य हिमाद्रशव दक्षिणम वर्षम तद यत भारत भारती नाम संतति तो ये तो आज से तीन चार हजार साल पहले ही हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया है इसलिए आधुनिक युग में अगर कहीं किसी एक राजनीतिक घटना के कारण भारत की परिधि को बांधा भी जा सकता है तो भारत की उस सांस्कृतिक परिधि को तो नहीं बांधा जा सकता वो भारत की विशाल समृद्ध सांस्कृतिक परिधि भारत की वो विशाल समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता दरअसल हमारे सबके चिंतन का विषय होना चाहिए हम में से कई लोग विदेश गए हैं अधिकांश लोग विदेश जाते हैं या कई लोग भारत आते हैं जो विदेश के निवासी हैं उनका पहला प्रश्न क्या होता है या हमें देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या होती है यू आर फ्रॉम इंडिया यू हैव अ ग्रेट कल्चर यू हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज यानी हमारी पहचान जो है एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र की है हमारी पहचान संस्कृति से है हमारा अस्तित्व संस्कृति से है और इसलिए हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि जो हमारी मौलिक पहचान है क्या हम उस मौलिक पहचान के साथ न्याय कर पा रहे हैं क्या हम उस मौलिक पहचान के साथ कहीं खड़े हो पा रहे हैं या हमने हमारी वो मौलिक पहचान खो दी है क्योंकि अगर हम सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नहीं हुए अगर हम सांस्कृतिक रूप से विचारवान नहीं हुए अगर हमारा चिंतन संस्कृति का नहीं हुआ तो संभवतः हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा हमें हमारे अस्तित्व की चिंता होनी चाहिए और इसलिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बात आती है जब सांस्कृतिक अस्तित्व की बात आती है तो इस बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि हम जो वर्तमान दौर में बहुत तेजी से भाग रहे हैं पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं उसके बारे में हमारी अंततः परिणति क्या होने वाली है महर्षि अरविंद जी ने कहा फॉर द मोस्ट वाइटल इश्यूज ऑफ द एज इज वेदर द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू बी गवर्न बाय द मॉडर्न इकोनॉमिक एंड मटीरियलिस्टिक माइंड ऑफ द वेस्ट और बाय बाय अ नोबलर फ्रैगमेंटिज्म गाइडेड अपलिफ्टेड एंड एनलाइटन बाय स्पिरिचुअल कल्चर एंड नॉलेज हमें यह तय करना पड़ेगा कि भविष्य में जो प्रगति होगी भविष्य में जो उन्नति होगी उसका रास्ता कहां से जाएगा क्या पश्चिम के मटीरियलिस्टिक व्यवहारवादी युग के साथ जाएगा पश्चिम की जो आर्थिक संकल्पना है उसके द्वारा जाएगा पश्चिम का जो बाजारीकरण का सिद्धांत है उसके द्वारा जाएगा या कहीं न कहीं ऐसे सिद्धांतों के द्वारा जाएगा जिसका आधार आध्यात्मिक है जिसका आधार सांस्कृतिक है जिसका आधार ज्ञान है और ये जो आधार है जो सांस्कृतिक है जो ज्ञान का आधार है जो आध्यात्मिक आधार है Sea, उसकी तो जन्मभूमि भारत ही है वहीं से समूचे विश्व को यह ज्ञान मिला है वहीं से समूचे विश्व को यह दृष्टि मिली है वहीं से समूचे विश्व को ये चेतना मिली है और ये चेतना ये दृष्टि ये ज्ञान आज से प्राप्त नहीं हुआ है ये चेतना ये दृष्टि ये ज्ञान वर्षों पुराना है कई कई बार हमें इस बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है वर्तमान दौर में कोई व्यक्ति एक छोटी सी पंक्ति भी लिखता है तो उसे अपने कॉपीराइट की चिंता होती है उसे अपने अधिकार की चिंता होती है हम लोग आईपीआर के लिए झगड़ते हैं कि ये मेरा ट्रेडमार्क है ये मेरी आइडेंटिटी है ये मेरा क्रिएशन है हमने कभी नहीं सोचा कि आज से हजारों साल पहले जिन ऋषि मिनी तपस्वियों ने वेदों की रचना की उन्होंने अपना कोई कॉपीराइट नहीं रखा अपना कोई ट्रेडमार्क नहीं रखा अपना कोई आईपीआर नहीं रखा आपसे कहे कि वेदों की रचना किसने की है तो आप उनके रचयिताओं का नाम नहीं बता सकते उपनिषद की रचना की है तो आप उन उपनिषद के रचयिताओं का नाम नहीं बता सकते हमें बताया जाता है कि मनु भी बहुत हुए वेदव्यास की भी परंपरा थी महाभारत अगर वेदव्यास ने लिखा है तो सिर्फ एक वेदव्यास ने लिखा है या वेदव्यास की परंपरा ने लिखा है इसके बारे में भी अभी शोध हो रहा है नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे तो एक ही भरत थे या अनेक भरत थे उनका एक समागम था इसके बारे में भी शोध हो रहा है तो ये जो ज्ञान का विशाल भंडार हमने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया उस ज्ञान के विशाल भंडार में हमने इस बात की चिंता नहीं की हमारा कॉपीराइट है कि नहीं हमारा ट्रेडमार्क है कि नहीं हमारा आईपीआर है कि नहीं क्योंकि हमने समस्त विश्व के कल्याण की अवधारणा से समूचे विश्व को ज्ञान का एक विशाल दर्शन देने की अवधारणा से हमने उन तमाम ग्रंथों की रचना की और वे ग्रंथ जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो सिर्फ सिद्धांत के ग्रंथ नहीं है वो कार्य के ग्रंथ हैं वो व्यवहार के ग्रंथ हैं वो हमारे जीवन की दृष्टि देने वाले ग्रंथ हैं हमारी जीवन शैली को कहीं ना कहीं दिशा देने वाले ग्रंथ हैं और ऐसे महान ग्रंथों के रचयिता ऐसे महान ग्रश्नों की सृष्टि करने वाले निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से ज्ञान की सृष्टि करते हैं और इसीलिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या ये वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसका जिसका पूरा का पूरा दर्शन आर्थिक दर्शन है क्या उस दर्शन से पूरा विश्व संचालित होगा या एक ऐसे विचार से संचालित होगा जिसका आधार ज्ञान है जिसका आधार अध्यात्म है जिसका आधार संस्कृति है हम सबके चिंतन का विषय है आज हम सब लोग विकास की बात करते हैं आज हम सब लोग उन्नति की बात करते हैं विकास आपकी दृष्टि से कहाँ आता है एक अच्छा घर बन गया तो विकास हो गया घर में आधुनिक संसाधन लग गए तो विकास हो गया नए नए गैजेट्स आ गए तो विकास हो गया सड़कें बन गई तो विकास हो गया अच्छे अच्छे पार्क बन गए तो विकास हो गया मॉल बन गए तो विकास हो गया मल्टीप्लेक्स खुल गए तो विकास हो गया व्यक्ति कहाँ गया व्यक्ति की चेतना कहाँ गई व्यक्ति के भाव कहाँ गए व्यक्ति की संवेदना कहाँ गई क्या उसका विकास हुआ क्या सामने वाले किसी व्यक्ति को कष्ट में देखकर मेरे मन में कोई करुणा कोई सहायता कोई सहोदरत्व का भाव उत्पन्न हुआ या मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि चूंकि मेरे पास संसाधन है सिर्फ इसीलिए मुझे जीने का अधिकार है और इसलिए मैं विकसित हूं ये पश्चिम का दर्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दुनिया में वही जीवित रहेगा जो सबसे फिट होगा माइट इज राइट जिसके पास शक्ति है उसी के पास अधिकार रहेगा ये पश्चिम की अवधारणा है इसलिए पश्चिम ने हमेशा उस अवधारणा पे काम किया है जब श्री अरविंद अपने व्याख्यान में इज इंडिया सिविलाइज में इस सारी बात का चिंतन करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं पश्चिम ने हमेशा अधिकारों की बात की पश्चिम ने हमेशा सब चीजों को हक से युद्ध से जीतने की बात की है पश्चिम का दृष्टिकोण नहीं रहा अयम निजो परे वेती गणना लघुचेत उदार चरिता नाम तो वसुधई व कुटुंबकम यह पश्चिम का दृष्टिकोण नहीं है हमने हमेशा कहा कि ये मेरा है ये तुम्हारा है ये बहुत छोटी बुद्धि के लोगों का काम है जो बहुत छोटा सोचते हैं उनका काम है इस पर मेरा अधिकार है उस पर तुम्हारा अधिकार है उदार चरिता नाम जिनका मन विशाल है और अपने विशाल मन से जो देखते हैं कि पूरी की पूरी वसुधा ये समस्त भूमि ये समस्त पृथ्वी एक परिवार है कुटुंब है और उस कुटुंब की अवधारणा से हम लोग जीते और इसलिए हमने सबको अपने साथ लेकर सबको अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने का ही हमेशा चिंतन पूरे विश्व के सामने रखा है और इसलिए जब मैं सांस्कृतिक अस्तित्व की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमारे अस्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण है तो वो हमारे का अर्थ सिर्फ मेरे अस्तित्व की बात नहीं कहता हूं या सिर्फ हम भारत के अस्तित्व की बात नहीं कहते हैं पूरे विश्व के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व को इस संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए मटीरियलिस्टिक इकोनॉमी ओरिएंटेड माइट ओरिएंटेड राइट ओरिएंटेड या फिर सहोदरत्व आप भी जिए मैं भी जी हम दोनों समान हक से जी सकते हैं हम दोनों समान हक से इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व रख सकते हैं क्या ये भाव मेरे अंदर उत्पन्न होता है पिछले दो साल में पूरे विश्व ने क्या भुगता है हम सब अभी भी उस खतरे से बाहर नहीं हुए और ये सारी की सारी जो हमारी विकास की अवधारणा है जो सारा का सारा हमारा विकास का जो चिंतन है विकास का जो सोच है वो अपने आप में ध्वस्त होता चला गया है पूरा विश्व भयाक्रांत है और पूरे विश्व को भय से मुक्ति दिलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है और वो है भारतीय संस्कृति का दर्शन भारतीय संस्कृति का चिंतन और इसीलिए आपने देखा कि 135 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भारत ने जिस तरह से इस आपदा का मुकाबला किया पूरा विश्व नहीं कर सका सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के पास अपनी संस्कृति का मजबूत आधार था भारत के पास अपनी संस्कृति का एक मौलिक चिंतन था भारत के पास अपनी संस्कृति की कहीं ना कहीं मौलिक अवधारणा थी इसलिए हम अपने अस्तित्व को इस तरह से बचा पाए तो ये सोचने की बात है ये समझने की बात है और इसलिए जब विशाल शास्त्र परंपरा की बात कहते हैं जिसमें वेद भी हैं उपनिषद भी हैं पुराण भी हैं ब्राह्मण भी हैं अरण्यक भी हैं और इसके अलावा ढेरों ऐसे संदर्भ हैं जो हमारे ऋषि मिनी तपस्वियों ने हमारे लिए उपलब्ध करा के रखे हैं जो हमें हमारे ज्ञान का आधार देते हैं हमारे चिंतन का आधार देते हैं हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण का आधार देते हैं इसलिए उस पर सोचने की आवश्यकता है इसलिए उस पर चिंतन गहन मनन करने की आवश्यकता है और सिर्फ गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसके बारे में कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन में प्रयोग में उतारने की भी आवश्यकता है इसलिए जब संस्कृति की अवधारणा के बारे में मैंने प्रारंभ में कहा कि हमें संस्कृति की अवधारणा के बारे में सोचना चाहिए तो हमें निश्चित तौर पर इस बारे में भी सोचना चाहिए कि दरअसल संस्कृति है क्या किस चीज़ को हम संस्कृति कह रहे हैं कल्चर कल्चर कहने से और संस्कृति कहने से क्या इन दोनों बातों में कहीं कोई विभेद है कल्चर की इकाई कहीं कोई छोटी तो नहीं संस्कृति की इकाई कहीं कोई बड़ी तो नहीं इस बारे में भी सोचना पड़ेगा एक बहुत छोटा सा शब्द है संस्कार और मुझे लगता है कि विश्व की किसी भी भाषा में संस्कार जैसा शब्द समतुल्य है ही नहीं भाषा विज्ञानी संभवतः इस बारे में चिंतन करके सोच करके बता सकते हैं कि संस्कार का समतुल्य शब्द अंग्रेजी में क्या है शायद आपको न मिले क्योंकि जो संस्कार की जो अवधारणा है वो संस्कार की अवधारणा ही इस भारत भूमि की अवधारणा है और संस्कार कहां से पनपते हैं तो संस्कार संस्कृति के मूल से पनपते हैं तो इसलिए जो संस्कृति को जो व्यापक दृष्टिकोण से देखने का एक जो हमारा न, हमारा एक नजरिया होना चाहिए हमारा एक सोच होना चाहिए हमारे अंदर उस तरह की प्रशिक्षण ट्रेनिंग होनी चाहिए उस बारे में लगातार सोचने समझने की आवश्यकता है और यही महर्षि अरविंद बार बार कहते थे बट द रियल एंड द परफेक्ट सिविलाइजेशन येट वेट्स टू बी डिस्कवर्ड फॉर द लाइफ ऑफ मैनकाइंड इज स्टिल नाइन टेंथ ऑफ बारबरिज्म टू वन टेंथ ऑफ कल्चर हम अभी भी दसवें हिस्से के नौ हिस्सों में पार्श्विक ही हैं सिर्फ एक ही हिस्सा हमारा अभी सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं चेतन हो रहा है सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं हम लोग उससे दूर हो रहे हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति की जो विशेषता है उसको समझेंगे तो समझ में आएगा श्री अरविंद कहते न प्राचीन से पलायन है और न पश्चिम का अंधानुकरण है इसका आशय क्या है इसका आशय है कि हमारी संस्कृति कोई जड़ इकाई नहीं है एक जगह स्थिर इकाई नहीं है वो निरंतर अपने आप में उन्नत हो रही है इसलिए हमारी संस्कृति के बारे में कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन हर रोज एक अपने आप में एक नई परिभाषा के साथ हमारी संस्कृति हमारे सामने है लेकिन उसके साथ ही अपनी पुरातन परंपरा अपने पुरातन मूल्यों को भी हमारे साथ अक्षुण्य रखती है इंटैक्ट रखती है और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है इसलिए हजार बारह सौ साल की गुलामी के बाद भी विदेशी आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति वहीं की वहीं अक्षुण्य रही हम सब ने नालंदा का उदाहरण सुना है हम सबको इस बारे में मालूम है कि नालंदा के पुस्तकालय जला दिए गए नौ मंजिला पुस्तकालय भवन थे जो जला दिए गए और उसमें जो ग्रंथ सामग्री थी वो इतनी ज़्यादा थी कि छः महीने तक वो आग वहाँ जलती रही तो जिन्होंने उसको आग लगाई थी उन्होंने सोचा कि अगर हम इनकी ग्रंथ संपदा को आग लगा देंगे तो भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी भारत का विचार नष्ट हो जाएगा भारत का दर्शन नष्ट हो जाएगा भारत का चिंतन नष्ट हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ ग्रंथ जलाने से विचार नहीं जलते ग्रंथ जलाने से संस्कार नहीं जलते ग्रंथ जलाने से परंपरा समाप्त नहीं होती ग्रंथ एक भौतिक वस्तु है एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत है एक सन्यासी थे उन्होंने अपने शिष्य को पूरी की पूरी दीक्षा दी और अपरिग्रह का श्रेष्ठतम उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि अपरिग्रह अनासक्ति इन सब विषयों में अब तुम पूर्ण हो गए हो तो इसलिए मैं पुरस्कार स्वरूप तुम्हें ये ग्रंथ देता हूँ जो मैंने किसी को नहीं दिया ये मेरी एक अमूल्य धरोहर है मेरे जीवन की सबसे बहुमूल्य धरोहर है जिसे मैं अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने अनासक्ति का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत किया है अपरिग्रह का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत किया है तो शिष्य ने वो ग्रंथ अपने हाथ में लिया और पीछे कहीं यज्ञ में ज्वाला जल रही थी उसने लेकर वो ग्रंथ सीधे वहाँ डाल दिया गुरु आश्चर्य में थे उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया मैंने तुम्हें अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य ग्रंथ दिया जो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा था और तुमने उसे सीधे सीधे अग्नि में स्वाहा कर दिया उसने कहा गुरु जी आप ही ने तो कहा कि मैं अपरिग्रह के लिए श्रेष्ठतम हूं अनासक्ति के लिए श्रेष्ठतम विद्यार्थी हूं ये मेरे लिए किस काम का है आग में किताब जलाने से ज्ञान नष्ट नहीं होता ये उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि ये जो ज्ञान है ये कहीं आसमान से टपका हुआ ज्ञान नहीं है ये ज्ञान है ये भारत भूमि में उत्पन्न हुआ ज्ञान है भारत के ऋषि मनीषी के तप से अर्जित ज्ञान है आप किताब जला देंगे तो ज्ञान तो फिर से उपज जाएगा और वही हुआ जिन लोगों को लगा था कि हम भारत के किसी एक भूखंड पर कब्जा कर लेंगे इसका अर्थ होगा कि हम भारत के मानस पर कब्जा कर लेंगे तो संभव नहीं हुआ 1835 में जब लॉर्ड मैकाले को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाना पड़ा तो उसके पीछे की भी अवधारणा ये थी कि उन्होंने अपने हुक्मरानों को ये समझाया कि सिर्फ ज़मीनों पर कब्जा करने से भारतवासियों पर कब्जा नहीं होगा आपको उनके मस्तिष्क पर कब्जा करना होगा आपको उनके दिलों पर कब्जा करना होगा आपको उनकी शिराओं में बह रही सांस्कृतिक चेतना पर कब्जा करना होगा और अगर आपको शिराओं में बह रही सांस्कृतिक चेतना पर कब्जा करना है तो उन्हें शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी न्यूनता की शिक्षा न्यूनता बोध की शिक्षा दी जाए जिससे इस बात का कहीं उन्हें ज्ञान हो सके कि जो हमारा अपना का वर्षों का अर्जित शास्त्रीय ज्ञान है वो सब बेकार है और इसलिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया और जो लोग आंकड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो इस बात को ध्यानेंगे और बहुत सुंदर सी पुस्तक है धर्मपाल जी की ब्यूटीफुल ट्री अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो उसमें वो सारी बातें भी दी हुई हैं कि जैसे ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया तो भारत का जो लिटरेसी रेट था भारत की जो साक्षरता दर थी वो एकदम घट के बीस बाईस चौबीस प्रतिशत रह गई और उसके पहले भारत की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आपने पूरी की पूरी भारत की जो चेतना है सांस्कृतिक चेतना है भारत की बौद्धिक चेतना है भारत का जो इंटेलेक्ट है उस पर कहीं ना कहीं ऐसा आक्रमण किया कि आपको लगा कि अब इसके माध्यम से हम भारतीयों के मन पे कब्जा कर सकते हैं और वही हुआ अंग्रेजी हुकूमत भारत में सौ वर्ष तक राज इसलिए कर पाई क्योंकि उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक चेतना थी उसकी रीढ़ को तोड़ दिया लेकिन रीढ़ को तोड़ने से भी ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकते क्योंकि जो अंतर्निहित है विचार प्रवाह जो मेरे हृदय में है उस विचार प्रवाह को तो आप नहीं तोड़ सकते उस विचार प्रवाह को तो नहीं बिखार सकते और इसलिए ऐसा होता है कि भारत में इस्लाम आता है भारत में इस्लाम कई वर्षों तक रहता है और जब इस्लाम का राज समाप्त होता है तो हिंदू और मुसलमान मिलकर रामायण रामलीला का पाठ करते हैं चांदखा देवी माता की स्तुति गाते हैं और शंकर शंभु कवारी गाते हैं क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का ताना बाना है जब मैं आपसे कह रहा था कि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो आप सोचिए कि इंडोनेशिया वो देश है जहां पर अधिकांश मुस्लिम लोग निवास करते हैं लेकिन इंडोनेशिया वो भी देश है जहां पर वर्ष में 360 दिन रामलीला का प्रदर्शन होता है और इंडोनेशिया वो भी देश है जहां पर इस रामलीला के प्रदर्शन में भाग लेने वाले ज्यादातर मुस्लिम कलाकार होते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप तो इस्लाम को मानने वाले हैं रामलीला कैसे करते हैं तो जो उत्तर देते हैं वो बहुत रोचक होता है वो कहते हैं इस्लाम हमारा धर्म है लेकिन राम हमारी संस्कृति है हम किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं हम कोई भी धर्म मान सकते हैं लेकिन जो मेरा सांस्कृतिक ताना बाना है वो इस्लाम ये वो राम का ताना बाना है तो इसलिए जब जब कुछ सौ वर्षों की हुकूमत के बाद भी जब वो धर्म यहां रुकता है तो वो भारतीयता के रंग में रुकता है भारतीय संस्कृति के ताने बाने में रुकता है और इसलिए यहां पर दिवाली भी मनाई जाती है यहां पर ईद भी मनाई जाती है यहां पर क्रिसमस भी मनाई जाती है और वो भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है ये भारतीय संस्कृति का रंग है और जब ये ब्रिटिश हुकूमत को समझ में आया तब तक भारतीयों का आंदोलन इतना जोर पकड़ चुका था कि उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा जाते जाते वो अपने पश्चिमी विचार के बहुत सारे बीज हमारे बीच बो गए और वो बीज बहुत अधिक पुष्पित पल्लवित होते अगर महर्षि अरविंद जैसे विचारक हमारी इस धरा पर पैदा न हुए होते जिन्होंने लगातार कहा अपने संतत्व अपने ज्ञान अपने दर्शन के बीच से कहा कि ये सारा दर्शन तभी तक सत्य है जब तक भारत सत्य है तो मेरा पहला धर्म राष्ट्रधर्म है उसके बाद कोई धर्म कोई विचार कोई पंथ कोई मत कोई आ, आस्था और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर उस सांस्कृतिक चेतना उस सांस्कृतिक अवधारणा की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती और ये सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक अवधारणा के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो सिर्फ किसी प्रदर्शन में नहीं है अक्सर लोग इस बारे में बहुत भ्रम करते हैं और मुझे इस बारे में बहुत दुख होता है संस्कृति को समझना है तो संस्कृति को समझने के लिए गायन वादन नृत्य चित्रकारी सिर्फ यही संस्कृति नहीं है संस्कृति इससे कहीं व्यापक इससे कहीं विशाल है वो आस्था है वो भाव है वो जीवन की पद्धति है वो चिंतन की पद्धति है कैसा हम व्यवहार करते हैं कैसा हम सोचते हैं वो संस्कृति है। अमेरिका में एक विज्ञापन छपा एक स्त्री ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध हूँ मैं बहुत पैसे वाली हूँ और मेरे पास सब कुछ है सिर्फ बात करने के लिए कोई नहीं है तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ हफ्ते में तीन दिन आ बात करे मैं उसे वेतन दूंगी और बहुत अच्छा वेतन दूंगी तो एक भारतीय युवक था जो बेरोजगार था शायद पैसे की आवश्यकता भी थी चला गया और उस माता के साथ बात करने लगा और बात करते 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 वो माता का जीवन ही एकदम बदल गया तो जब महीने का समाप्त हुआ तो माता ने उससे कहा कि तुम्हारे ये रहे तुम्हारे महीने के पैसे तो उस युवक ने उस माता को विनम्रता से वो पैसा लौटाते हुए कहा कि मैं उस भूमि से आया हूं जहां अपने बुजुर्गों से बात करने के लिए पैसे नहीं लिए जाते उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और वो व्यक्ति बाद में अमेरिका की एक स्टेट का गवर्नर बनता है हमारे यहां बुजुर्गों से बात करने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हमारे यहाँ परिवार की अवधारणा बिल्कुल अलग है मुझसे कोई कहता है कि आपकी मां आपके साथ रहती हैं तो मुझसे पहले मेरी पत्नी उत्तर देती है नहीं हम हमारी मां के साथ रहते ये फर्क है अब यह फर्क उनको कौन समझाए जो कहते हैं कि पति पत्नी और दो बच्चे के अलावा अगर घर में दादा दादी भी हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली हो जाती है आप अगर नर्सरी की किताब पढ़ें तो आपको यही दिखाया जा रहा है पिता माता बेटा बेटी चार लोग हैं तो दिस इज माय फैमिली और बगल में अगर दादा दादी खड़े हो गए तो लिखते हैं जॉइंट फैमिली तो ये जॉइंट फैमिली नहीं है दिस इज माय फैमिली भारतीय संस्कृति का चिंतन तो फैमिली में है ना माता पिता मेरे साथ रहते हैं कहने वाली परंपरा के हम लोग नहीं हैं हम कहते हैं हम माता पिता के साथ रहते हैं बड़ी इकाई माता पिता है आज वो कमाते नहीं तो क्या हो गया घर का कमाने वाला अगर मैं हूं या मेरा बेटा है तो क्या हो गया घर का बड़ा तो बड़ा ही रहने वाला है क्योंकि हमारे उस चिंतन का आधार इकोनॉमिक नहीं है मटेरियलिस्टिक नहीं है हमारे चिंतन का आधार है नॉलेज हमारे चिंतन का आधार है स्पिरिचुअलिटी हमारे चिंतन का आधार है कल्चर वो हमें सिखाता है कि घर में बुजुर्गों को कैसे पालन करना है तो इसलिए ये कहना कि हम संस्कृति को कहां ढूंढने संस्कृति को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है संस्कृति रोम रोम में हमारे अंदर जहां जहां भी हम बात कर रहे हैं जहां भी हम सोच रहे हैं जहां भी हम व्यवहार कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी संस्कृति हमारे साथ श्वास की तरह अनवरत है और जब तक वो श्वास की तरह अनवरत है और उसका आभास हमें होता है तब तक ही हमें मानना चाहिए कि हम जीवंत भारतीय हैं उस दृष्टिकोण से संस्कृति का विचार बहुत आवश्यक है मैं छोटा था और बहुत दूर एक छोटे से गांव में, में मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी रात को बुखार आया तो डॉक्टर दूर थे तो अचानक लगा कि काढ़ा बनाना चाहिए तो माँ ने कहा कि जो घर में चौकीदार बाबा थे उनसे कहा कि जरा तुलसी तोड़ लाती हूँ बच्चे के लिए काढ़ा बनाना है तो चूँकि शाम का वक्त हो गया था तो चौकीदार बाबा ने कहा कि नहीं आप मत जाइए आपको तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं आता अब बताइए तुलसी के पत्ते तोड़ने में तो कोई टेक्निक नहीं है लेकिन माँ नहीं गई चौकीदार बाबा बाकायदा वहाँ जाते हैं तुलसी माता के सामने प्रणाम करते हैं कहते हैं मैया तनिक देर हो गई हम जानते हैं रात हो गई है आप सो गई होंगी लेकिन भैया को बुखार है चार पत्ते की ज़रूरत है ले लें और फिर वो परमिशन लेके जैसे कि तुलसी मैया ने परमिशन दी फिर वो चार पत्ते तोड़ते हैं ये क्या है आप इसे संस्कृति नहीं मानते आप इसे भाव नहीं मानते आप इसे आस्था नहीं मानते या आप इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं ये जो चिंतन है ये जो भाव है जब हम कहते हैं कि हर में प्राणी जड़ चेतन सब में कहीं ना कहीं जीव है और सिर्फ जीव ही नहीं है सब में उस परम शक्ति का वास है जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया और ये भी एक बहुत बहुत रोचक था दृष्टांत है हम लोग बार बार समझते हैं कि हमने गुरु कर लिया उनको हमने गुरु मान लिया हम भूल जाते हैं कि हम किस अधिकार से कह सकते हैं कि हमने उनको गुरु मान लिया भारतीय संस्कृति में आप गुरु नहीं बनाते गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है गुरु ही चुन लेता है कि ये मेरा शिष्य होना चाहिए और इसीलिए गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने चुन लिया कि नरेंद्र को मुझे शिष्य बनाना है तब तो नरेंद्र के मन में बहुत सारे प्रश्न थे नरेंद्र अपने प्रश्नों से जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक नरेंद्र जो है किसी को अपना गुरु मानने वाले नहीं थे इसलिए जब गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा तो नरेंद्र ने कहा ठीक है पर क्या आपने ईश्वर को देखा है रामकृष्ण परमहंस बोले हाँ देखा है मैंने ईश्वर को साक्षात्कार देखा साक्षात देखा है वैसे ही मैं तुमको भी दिखा सकता हूँ और तुम भी देखोगे और उन्होंने उनके अंदर ईश्वर का साक्षात्कार कराया क्यों कराया क्योंकि हम जानते हैं कि हम में से हर एक के अंदर ईश्वर का कहीं ना कहीं वास है और इसलिए हम ईश्वर का साक्षात्कार करा सकते हैं पर अगर हम उस ईश्वर के तत्व को पहचान नहीं रहे हैं और हम किसी विदेशी संकल्पना के अंतर्गत गॉड इस कल्पना को कहीं बाहर ढूंढते हैं तो शायद हम अपनी संस्कृति के साथ कहीं न्याय नहीं कर रहे हैं तो यह सोचने की बात यह अवधारणा की बात यह चिंतन की बात और हमारे अंदर इस दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं बहुत अधिक विकसित करने की बात यह शक्ति हमें कौन देता है यह शक्ति हमें हमारा वर्षों से चला आ रहा सांस्कृतिक चिंतन ही तो देता है और इसीलिए संस्कृति को ढूंढना है तो किसी के परफॉर्मेंस में ढूंढ रहे हैं किसी की पेंटिंग में ढूंढ रहे हैं किसी के गायन में ढूंढ रहे हैं किसी के लिखन में ढूंढ रहे हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है संस्कृति को ढूंढना है तो मैं अपने चारों तरफ उस संस्कृति के तत्वों को ढूंढ सकता हूँ मैं अक्सर कहता हूँ हमारे अंदर हम किसी के घर में जाते हैं और आप उसके घर में जाके सीधे सीधे एक वाक्य कहते हैं कि इनका घर बहुत अच्छा लग रहा था क्यों इसके घर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं हो सकता है कि उस घर में बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स नहीं हैं हो सकता है उस घर में बहुत अच्छा फर्नीचर नहीं है हो सकता है उस घर में बहुत, अच्छा है उस है उस घर में बहुत सारी महंगी चीज़ें नहीं हैं लेकिन कुछ है जो आपको उस घर में पकड़ लेता है कुछ है जो आपको उस घर में बांध लेता है क्या चीज़ है वो कभी आपने सोचने की कोशिश की है वाइब्रेशंस कहाँ से आती हैं क्या टेबल कुर्सी से आती हैं अच्छे पर्दे लगाने से आती हैं महंगा कालीन रखने से आती हैं बहुत अच्छा परफ्यूम छिड़कने से आती हैं नहीं वाइब्रेशंस तो यहां से आती हैं कि उस घर में क्या चीज है क्या बात है किस चीज का वास हो रहा है अब हम यहां इस इत, इतने कक्ष में बैठे हैं क्या ऐसे ऐसे और कक्ष दिल्ली में नहीं होंगे मुझे लगता है इससे बेहतर इससे सुसज्जित बहुत अधिक ऑर्नामेंटेड बहुत अधिक डेकोरेटेड बहुत सारे कक्ष दिल्ली में होंगे लेकिन जो कुछ इस कक्ष में है वो क्या और कक्षों में आपको प्राप्त होता है नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि यहाँ एक अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस कहाँ हैं वो आपकी और मेरी वाइब्रेशंस हैं यहाँ श्री अरविंद गुरुदेव अरविंद जी की हैं श्री माँ की तस्वीर लगी है लेकिन उन तस्वीरों में हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं आरोपित कर पा रहे हैं मेरा मानस उस मानस से मेरा तत्व उस तत्व से मेरी आत्मा उस आत्मा से जुड़ती है और ये जो आत्मा का मेल है ये जो उस परम तत्व के साथ साक्षात्कार है ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है ये मुझे मेरे अस्तित्व का बोध कराता है इसलिए ये जो ये जो कहते हैं ना एलिमेंट कोई बाहर से कोई बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है हमको वो सारा एलिमेंट अपने अंदर ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए ज्ञान होना चाहिए इसलिए हमारे एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया अंतरदृष्टि बाह्य दृष्टि अलग है एक्सटर्नल हम बाहर से देख सकते हैं लेकिन हमको कहा गया है अंतर्दृष्टि भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र था लेकिन कहा जाता है कि हम में से हर एक के पास वो तीसरा नेत्र है जिसे खोलने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए जिस दिन हम अपने अंदर का वो तीसरा नेत्र अपने अंदर की जो अंतरदृष्टि पा लेते हैं उस दिन हमें उस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो इस लिहाज से हम उस बाहरी तत्व को कल्चर एज एन एक्सटर्नल एंटिटी जो लोग ढूंढते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं भारतीय संस्कृति का दर्शन अपने अंदर है इसलिए जो लोग कहते हैं कि साहब हम हम कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं हम कल्चर का ट्रांसफर कर रहे हैं मुझे बहुत हंसी आती है कल्चर कोई ऐसी स्थूल वस्तु है जिसे बैग में भर के ले जाया जा सकता है कि साहब लीजिए दो बक्से कल्चर मैंने आपको दे दिए तीन बक्से कल्चर आप मुझे दे दीजिए ऐसा नहीं है ये मन का भाव है ये संस्कार से आता है ये परंपरा से आता है यह दर्शन से आता है जीवन शैली से आता है और इसके लिए मुझे हमेशा लगता है कि हम बाहरी आवरण में बाहरी आडंबर में जाने की आवश्यकता नहीं अपने अंदर टटोलने की आवश्यकता है और इसलिए उस संस्कृति के अस्तित्व को खोजना है उस संस्कृति के अस्तित्व को ढूंढना है तो हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा कि मेरे अंदर अपनी भारतीयता के तत्व विद्यमान है या नहीं फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या हिंदी बोलता हूँ मैं सूट टाई पहनता हूँ या कुर्ता पजामा पहनता हूँ मैं लिपस्टिक लगाता हूँ या नहीं लगाता हूँ मैं नॉनवेज खाता हूँ या वेज खाता हूँ ये सब चीजें बहुत बहुत सुपरफिशियल हैं अंतर्दृष्टि क्या है अंदर सोचने की क्षमता क्या है समझने की क्षमता क्या है सारे विश्व को अपने अंदर एकात्म करने की क्षमता है क्या समूची सृष्टि के अंदर कहीं ना कहीं अपने मन में, में करुणा का भाव जगाने की क्षमता है क्या सबको एक साथ लेकर विश्व बंधुत्व के साथ चलने की क्षमता है क्या अगर वो क्षमता वो भाव वो एहसास मेरे अंदर है तो मैं अपने आप को सांस्कृतिक रूप से चेतन मान सकता हूं इसके लिए किसी बाहरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है इसीलिए इस भारत भूमि का जो चिंतन है वह अपने आप में बहुत उदात्त और विशाल है किसी व्याख्यान से किसी डिस्कोर्स से किसी किताब से शायद उसे समझना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान होगा अपने अंदर टटोल के देखना हमें हमारे ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद और गुरुजनों से शिक्षा मिली है कि हम अपने अंदर अपनी अंतर्दृष्टि को टटोल कर देख सकें खोज कर देख सकें और जब हम अपने अंदर की अंतरदृष्टि को टटोल कर देखेंगे खोज कर देखेंगे तो हमें हमारे उस सांस्कृतिक अस्तित्व के दर्शन होंगे और जब हमें हमारे उस सांस्कृतिक अस्तित्व के दर्शन होंगे तब निश्चित तौर पर हम अपने आप को उस देव के समकक्ष पा पाएंगे किस देव के समकक्ष पा पाएंगे विष्णु पुराण में कहा गया है गायंती देवा के गीतकारी भगवान गा रहे हैं और भगवान क्या गा रहे हैं धन्यस्तुते भारत भूमि भागे वो धन्य हैं जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है देवता चाहते हैं कि हमारा भी जन्म इस भारत भूमि में हो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है हम अपने अपने अंदर के उस देवता को प्रणाम करें और चिंतन करें कि हम सब मिलकर इस भारत भूमि के लिए क्या कर सकते हैं